नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है जो लोग महीनावार व्रत करने के साथ साथ पशुपति व्रत भी करते हैं, अगर उनका व्रत सोमवार के दिन आ जाए तो वो क्या करें। महीनावार व्रत जैसे गणेश चतुर्थी व्रत, प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, ये व्रत अगर आपके सोमवार के दिन आ जाए तो क्या करें, क्या व्रत रख सकते हैं या छोड़ दें। ये व्रत आप रख सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि आपने दोनों व्रतों के नियमों का पालन करना होगा। पहले बात करते हैं, अगर आप गणेश चतुर्थी व्रत हर महीने रखते हैं, अगर वो सोमवार के दिन आ जाए तो क्या वो व्रत रख सकते हैं। जी हाँ, वो व्रत आप रख सकते हैं। अगर वो व्रत आपका सोमवार के दिन आ जाए तो वो व्रत आप रख सकते हैं, परंतु आपको दोनों व्रतों के नियमों का ध्यान रखना होगा, नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि पशुपति व्रत में नमक और अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना है, इसलिए आप गणेश चतुर्थी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। सुबह सिर्फ आप चाय ले सकते हैं, अनाज और नमक नहीं खा सकते, क्योंकि आपका पशुपतिनाथ जी का व्रत भी साथ में होगा, इसलिए आप अनाज और नमक नहीं खा सकते। गणेश चतुर्थी व्रत के दिन आप सिर्फ सूर्य उदय से पहले चाय ले सकते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी व्रत में सूर्य उदय से पहले आप चाय ले सकते हैं, सूर्य उदय के बाद आप चाय पानी कुछ भी नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपका गणेश चतुर्थी का व्रत ना हो, अकेला पशुपतिनाथ जी का ही व्रत हो, तो आप दिन में चाय पानी दूध फल आप ले सकते हैं, परंतु आपका गणेश चतुर्थी का व्रत होने के कारण आप सिर्फ सूर्य उदय से पहले आप चाय ले सकते हैं, और दिन में आपने कुछ भी नहीं खाना पीना है। उसके बाद आपने करना क्या है, एक पूजा की थाली तैयार करें। उसमें आप, अगर आपने पंचामृत से अभिषेक करना है तो आप दूध, दही, घी, चीनी, शहद आप थाली में लेकर जाएं, या फिर और भी आप जो भगवान शिव जी को सामग्री अर्पित होती है वो भी आप अपने समर्थ के अनुसार ले जा सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर आप अभिषेक करें, पूजा अर्चना करें, उसके बाद वो थाली वापस लेकर आएं। वापस लाकर आप घर में रखें उस थाली को। उसके बाद आप अपने गणेश चतुर्थी व्रत का, पूजन व्रत का जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद गणेश चतुर्थी का व्रत होने के कारण जब आप शाम के समय कहानी सुनेंगे, कथा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, अलग अलग घरों का अलग अलग रिवाज होता है, कई घरों में कहानी सुनने के बाद चाय पानी ले लेते हैं, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आप शाम के समय, प्रदोष काल के समय फिर मंदिर जाएं, वही पूजा की थाली लेकर जाएं जो सुबह पूजा की थाली लेकर गए थे। उस पूजा की थाली में आपने 6 दिए रखने हैं, घी के बरकर रखने हैं। दिए आप चाहे आटे के भी ले सकते हैं, चाहे आप दिए मिट्टी के भी ले सकते हैं। दिए रखें और फड़ाहार बनाकर रखें मीठे में। फलाहार आपने मीठा ही बनाकर रखना है, नमकीन नहीं। नमकीन कोई भी चीज़ ना ही तो आपने खानी है, तो ना ही आपने प्रसाद के रूप में भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अर्पित करनी है। उसके बाद आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर आप पूजा अर्चना करें। अगर आपके यहाँ मंदिर में शाम के समय अभिषेक करने की अनुमति है तो आप कर सकते हैं, जल चढ़ाने की अनुमति है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सादी पूजा भी कर सकते हैं। दीपक जलाकर रखें, 5 दीपक वहाँ मंदिर में जलाकर रखने हैं, वहाँ दीपक आपने जलाकर रखने हैं। मैं बार बार यही हर एक वीडियो में बता रही हूँ कि वहाँ पर जाकर, मंदिर में जाकर आपने दिए जलाकर रखने हैं, और 1 दिया आपने अपनी थाली में रख लेना है। जो आप फलाहार लेकर गए हैं उसके आपने 3 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से तो आपने वहां पर ही रखने हैं, मंदिर में ही भगवान शिव जी को अर्पित करने हैं, 1 हिस्सा आपने साथ में लेकर आना है,
जो आप एक हिस्सा साथ में लेकर आएंगे वो हिस्सा ही आपने खाना होता है। एक हिस्सा आपने साथ में लेकर आना है, साथ में आप जो एक दिया है वो भी आप एक दिया थाली में रखकर और फड़ाहा रखकर घर में लाएं, घर में आएं, और घर में प्रवेश होने से पहले जो दिया आप मंदिर से एक लेकर आए हैं वो दिया आपने राइट हाथ में जलाकर रखना है, बिना जलाए नहीं रखना, जलाकर रखना है, राइट हाथ में जलाकर रखना है। जब आप मंदिर से आएंगे तब आप देखनी है आपकी राइट साइड कौन सी है, उस साइड में आपने दिया जलाकर रखना है। उसके बाद आपने घर में प्रवेश करना है। उसके बाद आप जो मीठा लेकर आए हैं वो मीठा आप, अगर आपका अकेला पशुपति नाथ जी का व्रत होता तो आप वो मीठा ग्रहण तभी कर सकते थे, आपका साथ में गणेश चतुर्थी का व्रत है इसलिए आप तभी मीठा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि चांद देखने के बाद, अर्घ देने के बाद, चंद्र पूजा करने के बाद आप वो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार ग्रहण करके आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आपने सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करना जो मंदिर में लेकर आए हैं वो, अगर आप थोड़ा सा ही लेकर गए हैं तो वो पहले खाकर और फलाहार भी ले सकते हैं। आपने अनाज और नमक इस व्रत में भूलकर भी नहीं खाना है, क्योंकि आपका गणेश चतुर्थी का व्रत है, उस व्रत में तो आप चंद्र दर्शन के बाद आप खा सकते हैं, लेकिन आपका व्रत पशुपतिनाथ जी का व्रत होने के कारण इस व्रत में आप अनाज और नमक नहीं खा सकते, इसलिए आप अनाज और नमक ना खाएं। ऐसा करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। रही बात जिनके प्रदोष व्रत हैं, पूर्णिमा व्रत हैं, वो भी आप अगर सोमवार के दिन आ जाएं तो वो भी आप इस तरीके से व्रत पूर्ण कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपने व्रत के नियमों का पालन करना होगा, दोनों व्रतों की पूजा आपने करनी होगी, दोनों व्रतों के नियमों का पालन करना होगा, दोनों व्रतों का विधि विधान का आपने ध्यान रखना होगा, तभी तो आपको पूर्ण फल मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।